हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आर्य ब्लॉग अमर पाटन। आज मैं आपके रीवा आया हूं और गदर 2 देखने के लिए। तो फ्रेंड्स 4 बजने वाले हैं और शो चालू होने वाला है, तो चलते हैं अंदर के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लिफ्ट में हैं, तो ये हम 5th फ्लोर में आ चुके हैं। यहाँ पर टिकट की चेकिंग होती है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टिकट से कराने। तो फ्रेंड्स अंदर आने के बाद हमने टिकट चेक कराया है और अभी देखिए ये गेट है, गेट खोला और अभी हम सिनेमा हॉल के अंदर आ चुके हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये गदर 2 जो हम आपके लिए आज आए हैं देखने के लिए। देख सकते हैं सन्नी पाजी अपने हाथों में हथौड़ा लेकर के पाकिस्तान में गदर मचाने जा रहे हैं और हम यही गदर के लिए आए हैं, गदर 2 के लिए। तो बन रहे मेरे चैनल में, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेगा। चले अब फिल्म चालू होने वाली है फ्रेंड्स, तो हम अभी अंदर के लिए चलेंगे। फिल्म गदर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष बाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरीशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी इंटरवल हुआ है गदर 2, तो अभी हम लोग बाहर हैं। और पप्पू भाई कैसा लगा आपको आज फिल्म देख करके? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, एक्शन से भरपूर हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत सही, पप्पू भाई को बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अभी और धांसू अभी एक्शन हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी मूवी चालू हो चुकी है, अब चलते हैं अंदर के लिए। ठीक है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि उस अब की बार देखते हैं कि क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हेडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई गदर फिल्म एक प्रेम कथा की सीक्वल फिल्म गदर 2 द कथा कंटिन्यूज का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना जबरदस्त क्रेज है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुकी थी। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष वाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष, सिमरन दोनों को और मेहनत की ज़रूरत है। पिछले गदर के दोनों गाने उड़जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्म में भी हिट है। गदर में सनी देओल ने पाकिस्तान से जो हेडपंप उखाड़ा था उसे पाकिस्तान आज तक ढूंढ रहा है। इस बार सनी हेडपंप उखाड़ते नहीं हैं, बस देखते हैं और पाकिस्तानी दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। गदर एक इमोशन है और गदर 2 देखते हुए ये बात अच्छे से महसूस होती है,
जब तारा सिंह पाकिस्तान में दुश्मनों का बैंड बजाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। इस फिल्म को गदर नाम के इमोशन के लिए ही देख डालिए। तारा सिंह जिस तरीके से इस तोप के पहियों को उखाड़ कर इन पाकिस्तानी के ऊपर फेंकते हैं, काबिले तारीफ सीन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी सैनिक जो पाकिस्तानी सेना है इनके ऊपर ये पहिए को मेक करके उनको मौत की घाट उतार देते हैं। और तभी तारा सिंह की नज़र अपने बेटे पे जाती है और वो बेटा फिर से गिरफ्त में आ जाता है। और वहीं मनीष वाधवा तारा सिंह को चुनौती देता है कि तू निकल, तू कहाँ है। तभी तारा सिंह मेजर के छोटे बच्चे को अपने हाथों में लेकर के उसके सामने जाता है। तभी वो मेजर उसको दे करके भौचक्का हो जाता है, डर जाता है, सहम जाता है और तारा सिंह से अपने बच्चे की मांग के लिए उसे मांग करता है, भीख मांगता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दे। और हमारे देश का तो वसूल है कि बच्चे, औरत और निहत्थे पर कभी वार नहीं करते। इसी तरह सनी देओल अपना हथौड़ा लेकर के एक कार में प्रहार करते हैं और ये बहुत ही तारीफ लायक ये सीन होती है। पहली बार आज दर्शकों को सनी देओल का 2.5 किलो का हथौड़ा दिख चुका है। देख सकते हैं पाकिस्तानी सेना को ऐसे कूट कूट के मारते हैं और वहाँ के पाकिस्तानी जो सेना होती है उनकी बैंड बजाते रहते हैं। तारा सिंह और जीते पाकिस्तानी फौज और हामिद इकबाल से जिस तरह खुद को बचाते हैं और जैसे उनका सामना करते हैं उसे देखते हुए आपका दिल खुश होता है। फिल्म का सेकंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछली फिल्म में हेडपम्प उखाड़ा था लेकिन इस फिल्म ने वो नेवेस्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से बढ़कर एक दमदार सीन सेकंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वेंस में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में माँ बाप बेटे नहीं हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफ़ी रिफ्रेंसिंग है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा के साथ मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन्स काफ़ी बढ़िया हैं। उत्कर्ष शर्मा का काम काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिया। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया। उनके अलावा सिमरत कौर ब्रांधावा ने भी अच्छा काम किया। फिल्म के विलेन मनीष वाधवा ने अपना काम अच्छे से किया है। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से जानते थे कि उन्हें फिल्म के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्होंने काफ़ी समय लगा लिया लेकिन इसे देखकर मज़ा ज़रूर आएगा। फिल्म की एक्टिंग अच्छी है लेकिन इसे थोड़ा छोटा ज़रूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और इसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है तो वो देखने में और ज़्यादा लंबा लगता है। एक चीज़ जो एकदम बढ़िया है वो है फिल्म का म्यूज़िक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन्स को सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामे और इमोशन से भरी हुई है जिसे आप एक मौका देना चाहें तो बुरा नहीं होगा। तभी तारा सिंह के गर्दन में लटकते तलवार को जीते देख करके सहम गया और वो बड़ी दिलेरी से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा रहेगा। ये बात को सुन करके जनरल ने उसके जीते के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। तभी सनी देओल तारा सिंह का दहाड़ को सुन करके रुक गया। गदर 2 में अगर कोई एक्टर फुल फॉर्म है तो वह सनी देओल हैं। वह तारा सिंह के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए हर वह काम करते हैं जो कर सकते हैं। 66 साल की उम्र में उनकी फिटनेस वाकई कमाल है। और यही तारा सिंह पाकिस्तानी जनरल को यह कहते दिखे कि अगर हर हिंदुस्तानी भारत से पाकिस्तान का मुर्दाबाद का नारा लगाया तो पाकिस्तान के चीथड़े उड़ जाएंगे। और तभी तारा सिंह जोरदार दहाड़ लगाते हुए
खंभे को उखाड़ फेंकते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इन पाकिस्तानी सेनाओं को मारते हैं, और उसी समय जीते भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो भी खंभे से बाहर छूटने का प्रयास करता है। और इसी बीच पाकिस्तानी जनरल के साथ तारा सिंह का हाथापाई होते हुए तारा सिंह बिजली के खंभे को ही उखाड़ डालता है, और यह पिक्चर की सीन काफ़ी दमदार हिट दिखाई देती है जिससे पूरा थिएटर गूंज उठता है और पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाते हुए ये बिजली के तारों के द्वारा हर एक पाकिस्तान के सेनाओं को मारता मारता उनको धूल चटाता है। और आगे पाकिस्तानी टैंक तारा सिंह का पीछा करके उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन तारा सिंह कहाँ हार मानने वाला है, वो बराबर उनकी सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर 2 11 अगस्त 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो गई है। तारा सिंह और सकीना की जोड़ी के लिए एक बार फिर सिनेमाघर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे हैं। 22 साल बाद एक बार फिर तारा सिंह के गुस्से से पाकिस्तान कांप गया है। फिल्म गदर 2 को देखने के लिए दर्शकों का सैलाब उमड़ गया है। पहले ही दिन गदर 2 का जलवा बॉक्स ऑफिस पर नज़र आने वाला है। शुरुआती ट्रेड के अनुसार गदर 2 पहले ही दिन 40 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने वाली है। इसके साथ ही हिंदी बेल्ट में पठान के बाद गदर 2 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन जाएगी। गदर 2 को देखकर वापस लौट रहे दर्शक फिल्म को जबरदस्त रिव्यू दे रहे हैं। दर्शकों का मानना है कि सनी पाजी का गदर वाला जोश गदर 2 में नज़र आ रहा है। एक बार फिर फिल्म के डायलॉग काफ़ी ज़बरदस्त हैं। बड़े पर्दे पर गदर 2 के गाने और डायलॉग फैंस को सीटियां बजाने पर मजबूर कर रहे हैं। फिल्म के दमदार एडवांस बुकिंग से ही अंदाज़ा हो गया था कि मूवी पहले ही वीकेंड के बाद 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगा। सनी देओल एक एक फ्रेम में छाए हुए हैं, उन्हें देखते ही तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। एक अंदाज वैसा ही है जैसा 22 साल पहले था। सनी की स्क्रीन प्रोजेस और डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त लगती है। सनी जब हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं तो पूरा थिएटर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। अमीषा पटेल बहुत प्यारी लगी है, उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की है। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि उनकी उम्र में 22 साल का फासला आया है। उत्कर्ष शर्मा अच्छे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी कुछ सीखना है। सनी देओल के सामने टिकना बहुत ही बड़ी बात है, और अभी उन्हें लंबा सफ़र तय करना है। बाकी फ्रेंड्स, ये गदर 2 मूवी बहुत ही दमदार है। इसमें सनी पाजी का दमदार दहाड़ आपको देखने को मिलेगा, दमदार देशभक्ति मिलेगी आपको। आपको बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम गदर 2 फिल्म देख करके बाहर आ रहे हैं, देख सकते हैं कितनी पब्लिक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बाहर आ चुके हैं, देख सकते हैं पब्लिक कितनी सारी है। गदर 2 के दीवाने सभी थे और गदर 2 हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? गदर 2 की वीडियो हमने फिल्म दिखाया आपको और उसके बारे में बताया हमने, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा कि फिल्म कैसी लगी आपको। और जल्द ही हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही मेरा सपोर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों? ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली बार। ओके बाय।